आलू की सादा सब्जी तो हर घर में बनती है, मगर मेरे बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है और इतना ही टेस्टी बनेगा ना कि आप खुद बनाएंगे जब ना तो खाकर मज़े से झूम जाएंगे। और बच्चों को लंच में बहुत अच्छा लगने वाला है। इसे रोटी पराठों के साथ बच्चों को दीजिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो करना क्या, यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं। तो आलू को सबसे पहले छिलकों को हम निकाल देते हैं। मतलब टेस्टी ना, बहुत ही सिंपल, मतलब ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है और वाकई में बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो आलू तो छिल गए हैं सारे और एक बाउल में हम पानी डाल देंगे और आलू को इस तरह से हम कट करके राउंड राउंड इसमें हमें डाल देना है ताकि आलू में कालापन बिल्कुल भी ना पड़े। इसके स्लाइस देखिए, मैंने मीडियम रखे हैं, ना तो ज़्यादा पतला है ना तो ज़्यादा मोटा है, क्योंकि मोटा अगर रहेगा तो इसे पकने में ज़्यादा समय लगे। तो सारे आलू कट कर पानी में डूब चुके हैं। तो ये देखिए इनको, अब इनको हमें अच्छे से धुल देना है। इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जिस तरह हम आलू के पकौड़े बनाते हैं ना, बस उसी तरह से काटने हैं। तो आलू हमारे धुल चुके हैं, अब चलिए इसको छलनी में छान लेते हैं। तो एक छलनी रख दिया मैंने टोप के ऊपर और सारे पानी को इसमें पलट दे रही हूँ, आलू को भी। ये देखिए सारे आलू छलनी पे चले गए हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा जो पानी होगा सब निथर जाएगा और आलू सूखा सूखा सा तैयार हो जाएगा। तो चलिए तब तक 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करते हैं। अब यहाँ पर जब तेल में धुआं आने लगे तब करना क्या है, आलू को इसमें हमें डाल देना है जो हमने आलू को धुल कर रखे थे। अब इनको चलाते हुए अच्छे से तेल में मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और हमारा आलू देखिए इस तरह से मैंने बीच बीच में चलाते हुए पका लिया है और ये तकरीबन 80% तक आलू पक चुका है। हमें ऐसे चलाते हुए 80% तक आलू को पका लेना है। हम ढककर जब आलू को पकाएंगे ना, इससे क्या समय कम लगेगा और ये जल्दी हो जाएगा। तो आलू हमारे 80% पक चुके हैं। तो अब इनको चलो कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो तेल को मैं निथार ले रही हूँ इस तरह से और सारे आलू को मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए सारे आलू मेरे बाहर निकल चुके हैं। तो इनको साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब तड़का डालते हैं। तो बचे हुए तेल में मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया, खड़ा जीरा। 1 मिनट इसको भून लेते हैं। हल्का सा गोल्डनपन आने लगा है जीरा में, देखिए। तो अब यहाँ पर हमें डालना है 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ा तीखा रहेगा सब्जी तभी तो अच्छा लगेगा। तो इनको भी 1 मिनट भून लेते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन। तो लहसुन चॉप करके मैंने ले लिया है, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। तो बस जीरा, हरी मिर्च और लहसुन को 2 मिनट तक और भून लेते हैं। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें डालना है 2 टमाटर बारीक कटे हुए। आप इसे रफली भी काट कर डाल सकते हैं, ये तो क्योंकि गलने वाला है, इसको गलाना है हमें। तो यहाँ पर टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तेल में। टमाटर को मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर फ्लेम हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। मैं यहाँ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी नमक डाल दिया ताकि मेरा टमाटर जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पर ध्यान दिया होगा आपने मैंने कितने कम मसाले का प्रयोग किया है और ये सब्जी ना बहुत ही चटपटा बनने वाला है। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद, थोड़े से मसालों को डालने के बाद इसे हमें ढककर छोड़ देना है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इन सबको। मसाले टमाटर से जब पानी रिलीज होगा इससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको ढककर स्लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए, यानी कि कुक हो जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी हमारा गल चुका है। ये देखिए इनको थोड़ा दबा देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं टमाटर को। तो ये देखिए हमारे टमाटर और मसाले अच्छे से हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें डालना है जो फ्राई आलू करके हमने रखे थे ना, इनको इसमें हम डाल देते हैं। अब इनको हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मसाले भी कितने पड़े हैं, सिर्फ नाम मात्र देखा जाए तो इतने सारी सब्जियों में मैंने सिर्फ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है और थोड़े से हल्दी का। बस मैं यहाँ गरम मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ना तो चाट मसाले का। बस इनको मिक्स करके ढककर छोड़ देना है 5 से 7 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पर ताकि मसाले आलू के साथ भी पक जाएं। तो यहाँ पर देखिए
मैंने इनको छोड़ दिया था। सॉरी, मैं नमक डालना इसमें भूल गई दोबारा। स्टार्ट में मैंने दो चुटकी ही नमक डाला था, तो अब यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और नमक को भी अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। नमक तो भाप से ही गल जाएगा अच्छी तरह से। नमक मिक्स करने के बाद इसे हमें फिर से ढक देना है ताकि हमारा नमक अच्छे से गल जाए। ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और तो 2 मिनट और हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा आलू का भुजिया सब्जी बनकर परफेक्ट तैयार हो चुका है। और बहुत ही लाजवाब सब्जी बना है, सिर्फ 2 टमाटर का कमाल, और खाने में बेमिसाल। तो ये देखिए, हमारा आलू पक चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से पका है या नहीं, तो इसको तोड़कर देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से कट जा रहा है, यानी कि हमारा आलू एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है, तब यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ। गैस बंद हो चुका है। अब यहाँ पर डालेंगे हम ढेर सारी धनिया की पत्ती। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू में। वाओ, इसे क्या फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा है। तो ये देखिए, हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसकी प्लेटिंग करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये सब्जी सोचिए, दाल चावल के साथ भी जाने वाली है, आलू पराठों के साथ जाने वाली है, और तो जाने वाली है पूड़ी के साथ भी। तो इस तरह से रोज़ एक तरह की सब्जी बनाकर हो गए हैं बोर, तो इस तरह से बनाइए एक नई सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।